वेलकम बैक टू द चैनल आजिब्स ब्लॉग। कैसे हो आप सारे लोग? देखो कितने प्यारे से रास्ते पे हूँ मैं। देखो चारों तरफ का नज़ारा, देखो दोनों तरफ पानी है और बीचों बीच रास्ता है और मौसम भी देखो, क्लाउड्स देखो कितने प्यारे प्यारे से नज़र आ रहे हैं। आज फ्राइडे का दिन है और अभी दिन के लगभग 12 बजे हैं। हल्की हल्की सी धूप हो रखी है। आज जाना है खुरियाल मुझे, वहाँ फरहना की जो फूफी का इंतकाल हुआ था, आज कलमा खानी है तो उसी की दावत है, तो उसके लिए जाना है। ये जो तालाब है ये देख रहे हो, ये वाला तालाब मेरे चचेरे चाचा का है, मतलब अकरम को तो आप जानते होंगे शायद, अकरम लोगों का है। उसके बाद उससे आगे वाला जो है, उससे आगे का तालाब हमारा है। तो सबका पानी बिल्कुल बराबर हो गया है। पहले तो जब पानी कम था तो पता चलता था कि अलग अलग तालाब है, लेकिन अभी जो है पानी चूँकि सब में ज़्यादा हो गया है तो यहाँ से वहाँ तक सारा एक ही तालाब नज़र आ रहा है। इसमें से कई खेतों में मखाने की भी खेती होती है, जैसे रोड के इस पार वाला जो है, रोड के जस्ट पूरब वाला, ये देखो मखाना लगा हुआ है यहाँ से लेके वहाँ तक, और आगे जाने के बाद फिर वहाँ आगे शायद मछली छोड़ी गई है, वो खाली सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें अच्छा खासा मखाना है। और इस साइड भी आगे देखो तो एक खेत में मखाना लगा हुआ है। पहले इन सारे बहुत सारे खेतों में धान होती थी, लेकिन अब उम्मीद नहीं है कि धान हो पाएगा, तो शायद किसानों को, हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि अब यहाँ भी मखाना ही करें, चूँकि धान तो होने वाला है नहीं। वैसे यहाँ से आगे का नज़ारा कुछ और भी बेहतर होने वाला है। रोड के दोनों तरफ जो है पौधे पेड़ लगे हुए हैं तो वो और ज़्यादा खूबसूरत है। चलो आगे बढ़ते चलते हैं। मैं नमाज़ पढ़ के आ गया खुरियाल, यहाँ देखो घर में हूँ और ये चारों तरफ का नज़ारा देखो। नमाज का वक्त था 1 बजे और अभी लगभग 1:30 बजे हैं। धूप काफ़ी तेज़ है तो ये पूरा जो सहन है ये भी काफ़ी गर्म हो गया है, पैर रखने लायक नहीं है, बिल्कुल पैर जल सा रहा है। बस सोचा कि ऊपर का जो व्यू है वो दिखा दूँ आपको, तो ये बहुत मज़ेदार सा है। पीछे पीछे तक देखो तो ये कितना खूबसूरत ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है, और इधर है आम का पेड़ और ये पीछे हमारे नौशाद भाई हैं, अलग बात है कुछ दिन पहले गंजा हो गए थे। ये देखो ये वाला पूरा आंगन है, उस साइड किचन बना हुआ है और इधर वॉशरूम वगैरह, और जस्ट उसके ऊपर लीची का पेड़ है। खुरियाल से वापस आ रहा था तो रास्ते में ये मखाना का खेत मुझे मिल गया, बहुत बड़ा सा मखाना का खेत है, तो सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ। तो ये देखो कितना प्यारा प्यारा सा इसमें पत्ता आ रखा है, और कहीं कहीं देखा तो मैंने फूल देखा लेकिन यहाँ से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे पौधे हैं उसमें से जो छोटे छोटे पत्ते में जो पानी भरा हुआ है वो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। भाई बता रहे थे पीछे, जो वो भाई जा रहे हैं उन्हीं का खेत है यहाँ आगे मखाना का, कई बीघा 4 बीघा खेत उन्होंने लगाया है, तो बता रहे थे कि अच्छा खासा उन्हें रेट मिल जाता है, लगभग 17 से 18 हज़ार रुपये क्विंटल का रेट मिल जाता है मखाना, जैसे ही खेत से उठाते हैं और जो भी पैकार यहाँ बोलते हैं तो उसको दे देते हैं, तो 17-18 हज़ार रुपये क्विंटल तो अच्छा खासा हो जाता है। इसलिए लोग हमारे एरिया में जो है ना अब मखाना की खेती काफ़ी ज़्यादा होने लगी। जो भी निचली जगह है, जैसे मैंने बताया था कि उस साइड की तरफ हमारा खेत है जो पहले धान हुआ करता था, लेकिन शायद अब हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि अब हम वहाँ मखाना लगवाएं, तो धान तो चूँकि हो नहीं पा रहा है, बार बार बारिश होती है और चूँकि ये नीचा जगह है थोड़ा सा तो पानी जमा हो जाता है और धान बर्बाद हो जाता है। चलो दोस्तों आज के ब्लॉग में वैसे कुछ खास था नहीं, जितना कुछ हो सका मैंने दिखाया। आज का दिन थोड़ा सा बिजी था, कुछ दिखाने के लिए टाइम नहीं मिल पाया आपको और कुछ बातें करने के लिए भी टाइम नहीं मिल पाया। खैर जैसा भी है, उम्मीद करता हूँ आपको जितना चीज़ भी दिखाया, चाहे वो रास्ते दिखाया हो, चाहे ये मखाना दिखाया हो, ये या फिर वो सारे खेत और बहुत सारे तालाब, तो जो भी दिखाया उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।